बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट नहीं मिलती, या पे आर्टिस्ट मिसाल पेट्रोल बेच रहे हैं, या पे आर्टिस्ट जो है दुकानदारी कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ कासिम मेरा नाम है, मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ और आर्ट से मेरे ताल्लुक है। तो ओवरऑल स्कल्पचर्स पे मैंने काम किया, पेंटिंग पे काम किया है, ड्राइंग्स और मिनिएचर पे काफ़ी काम किया मैंने, और मेटल स्कल्पचर्स पे काम किया, कॉपर पे, सिल्वर पे काम किया, जेम स्टोन पे जो है स्कल्पचर्स बनाए, ये सारी इसकी फील्ड है। बेसिक चीज़ जो है इसमें जो है आपका इलम है और आपकी जो है नॉलेज है, आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मिसाल आपके लिए फ्रीडम होनी चाहिए, एक आर्टिस्ट एक वाइड फील्ड है जिसके लिए कोई भी कानून नहीं होती, आपको फ्रीडम है, आप मिसाल दीवार पे पेंट कर सकते हो, आप जो है कैनवस पे भी कर सकते हो। पॉजिटिविटी जो है वो एक लर्निंग के प्रोसेस होती है। मिसाल अगर आपके पास इलम हो और आपको अपनी अच्छाई और बुराई का पता हो, तो मेरे ख्याल में जो है आपको फिर माशरे में जो एक खूबसूरत और खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकते हो, बेशक आपके पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं हो। और उसके लिए जो है लोगों की तनकीद का मुकाबला कैसे किया जाता है, उसका यह है कि आपने अपनी इलम की बदौलत जो है उनका जवाब देना पड़ता है, ना कि आप जो है उससे बहस करो और उससे जो है जंग करो। तो मेरे ख्याल में इसकी हर सवाल का जवाब जो है आप अपने इलम की बुनियाद पे अच्छे अंदाज पे दे सकते हो, उनको अपने काम के बारे में, इसकी पॉजिटिविटी के बारे में बता सकते हो। बाप दादा से जो है जो स्टोन्स हमें मिसाल मिले हैं, तो उसी से लेके जो है मिसाल आइडिया आई। तो अपने काम में जो है हमारे किसी भी काम से जब लगाव जाते हैं तो उसको अपने काम में जो है इनले कर लेते हैं, और उसमें तो पत्थर का भी ऐसा ही है कि इसकी ब्यूटी हमें जो है अट्रैक्ट करती थी, तो हम चाहते थे कि इसको एक मुनफरिद अंदाज में जो है अपने काम में मुंसलिक किया जाए। तो उस मुनफरिद अंदाज़ में ये है कि मैंने इसमें सेरामिक्स में यूज़ किया है और इसमें स्कल्पचर्स इसको यूज़ किए, बल्कि इसकी पाउडर फॉर्म में जो हमने कलर्स बनाए हैं, तो इसकी काफ़ी वर्सटाइल इसकी विजन है। पाकिस्तान के लिए रिक्वेस्ट है कि मिसाल आर्टिस्टों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों में से कुछ आर्टिस्ट है जो मिसाल मायूस होकर कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अक्सर आर्टिस्टों को मैंने देखा है उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गरीब होते हैं मगर स्किलफुल होते हैं, और उनके लिए कुछ मटीरियल के लिए पैसे नहीं होते। तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए यही पैगाम है कि अपने स्किल को बढ़ा लें, तालीम के साथ साथ अगर तालीम की इलम हासिल करो, नौकरी के लिए नहीं करो तो स्किल हासिल करो, स्किल से आपकी जो है घर की हालात सही हो सकें, और एक पॉजिटिव स्किल इख्तियार किया जाए, कोई भी फील्ड हो उसमें अपनी मिसाल चेंज लाने की कोशिश करो, तख्लीक लाने की कोशिश करो। हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल माथी टीवी।